फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा काम ख़त्म हो गया है, मॉर्निंग वाला बर्तन वर्तन सब हो गए हैं और कपड़े रह गए हैं बस धोने के लिए। तो मैं अभी ना मतलब मैंने सोचा कि यार जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ ना, कोई भी चीज़ हो अगर इंसान ये सोचे। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम नारियल तोड़ा, मतलब पहली बार। सच में मेरे को बहुत ही मुश्किल, मेरे को लगता था कि नारियल मेरे से कभी नहीं टूटेगा। जो लोग तोड़ते भी हैं तो वो कैसे तोड़ते हैं, मतलब मुझे एक महाभारत जैसा लगता था क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो आज मैंने ट्राई किया और मैंने नारियल तोड़ दिया। तो अब मेरा क्या मन कर रहा है, मतलब मैं वीडियो बनाना उस टाइम भूल गई। मेरे को थोड़ी सी चोट भी लग गई यहाँ पर, अगर दिख रहा होगा, ये मेरी लापरवाही का नतीजा है। मुझे थोड़ी सी चोट लग गई, तो मैं एक और नारियल अभी तोड़ती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि सचमुच में यार बहुत ही मतलब इजी है और मतलब मैंने एंजॉय किया इसे। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं इसलिए एक नारियल और तोड़ने वाली हूँ। पांच नारियल रखे हैं गाइस, पांच नारियल लेके आए थे पापा। एक मैंने आज तोड़ा है, वो दो दिन हो गए थे उनको ऐसे ही रखे थे। मैं सोच रही थी हस्बैंड तोड़ेंगे, मेरे से नहीं होता है, मैं यही बोल रही थी। फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ही इसे तोड़ूंगी और मैंने इसे तोड़ा और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे तोड़ा। तो चलो, इसमें से पता नहीं क्या, देखना कुछ स्टेम जैसा है, कुछ जैसे वो नहीं होती है इसकी स्टेम। तो इसकी जो जटाएं होती हैं वो मैं निकाल चुकी हूँ, पहले ही मैंने भिगो कर रख दिए थे और इजीली इसकी जो जटाएं हैं वो निकाल दी। तो उसके बाद हम हथौड़ी हो या बेलन हो, कुछ भी हो, मेरे पास हथौड़ी तो है, वो नीचे रखी है। तो इसको बेलन से ना पहले पूरे इसके चारों तरफ ना ऐसे ठक 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 करके पूरे चारों तरफ इसको मैं अच्छे से करना है। अच्छे तरह हो चुका होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको करने के बाद अब आपको पहले ही इसका जो पानी निकलेगा उसके है उसके लिए पहले ही तैयार करके रखना है, क्योंकि फोड़ने के बाद वो एकदम से पानी एकदम हो जाएगा ना, निकल जाएगा तो गिर जाएगा। तो मैंने ये भी रेडी कर दिया है। और उसके बाद अब इसको, वैसे तो आप फोड़ना तो पता है, जैसे मर्जी फोड़ सकते हैं, किसी के सर पर भी फोड़ सकते हैं। मैंने ये रखा हुआ है बट्टा, जो हम सिलबट्टा होता है ना उसका बट्टा है ये, हैवी सा, ठीक है। इसके नीचे कपड़ा बिछा लिया है और जितने ज़ोर से आप मार सकते हो उतने ज़ोर से मार लें, आराम से भी मार सकते हो। क्रैक हो गया देखो, है ना, लेकिन अभी इसमें से वो नहीं निकला है पानी। एक बार और मारूंगी, सारा पानी गिर गया। शिट यार, इतना सा नारियल था ये, और दोस्तों वीडियो बनाने के चक्कर में पानी गिर गया, इतना सा ही निकला इसमें से पानी, सारा पानी गिर गया। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है, आराम से करना। पहले वाले में से एक बूंद भी नहीं गिरी थी और अब वाले में सारा गिर गया। कोई बात, इसको हल्का हल्का सा ऐसे करना है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे चोट लगा ली थी तो आराम से करना। ये वरना पहले वाला तो देखो कितना अच्छे से, देखो ये मैंने तोड़े हैं, अदरवाइज ये बहुत क्लीन निकले थे, बहुत ही क्लीन पीस निकले थे, ये मैंने तोड़ दिए हैं और ये नहीं निकल पा रहा है इतना क्लीन। लेकिन आसान है, अब मैं कह सकती हूँ कि इजी है, लेकिन ना ये होता है ना कोई कोई, जैसे अखरोट भी होता है कोई कोई सही नहीं निकलता है, ये वैसा ही कुछ है, एकदम क्लीन नहीं निकल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो ये निकला ना पूरा, ऐसा ऐसा निकलता है अगर आप उसे ढंग से कट कर मारिए। मेरा भाई है ना, वो तो पूरा पूरा निकाल देता है, मतलब पूरा जो जैसे फोड़ता है एकदम से पूरा गोला ऐसे निकल जाता है, बहुत अच्छे क्लीन तरीके से निकालता है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने किया है तो फर्स्ट टाइम में तो मेरा बहुत ही मतलब अच्छा मैंने किया है।
मुझे पता है मुझे कोई शाबाश नहीं बोलेगा, इसलिए मैं खुद को शाबाशी दे देती हूँ, मैं खुद की ही तारीफ कर देती हूँ, क्योंकि कोई तारीफ नहीं करता यार, है ना, कोई नहीं करता है तारीफ। अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना, देखो इसमें ऐसा गंदा सा लग गया, तो इसको मैं वॉश कर देती हूँ और खा के देखूंगी। ये मीठा है, वो इतना मीठा नहीं है जो पहले वाला है, वो इतना मीठा नहीं है, ये मीठा है, बहुत मीठा है। तो देखिए है ना आसान नारियल तोड़ना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।